नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से जिस राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और अगले 120 दिन तक यानी 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं यानी टेढ़ी चाल चलने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। कहां पर आपको संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी रखना होगा। देखिए, हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है और इनको सबसे प्रभावशाली और शुभ ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को मान्यताओं के अनुसार देवताओं का गुरु माना जाता है और ज्योतिष विज्ञान में भाग्य, जान, नियम, धन, संतान का, पारिवारिक जीवन का, बड़े भाई का, वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति मुख्यतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल होती है तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति धार्मिक और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक वकील, पत्रकार, धनवान, आयुर्वेदाचार्य, अध्यापक इन विषयों में सर्वोच्च स्थान रखने वाला होता है। गुरु का यदि अशुभ प्रभाव होता है तो कैंसर, पेट से संबंधित समस्याएं, साथ में शिक्षा और धर्म कर्म में रुचि न होना, गुरु के अशुभ प्रभाव से संतान को कष्ट और वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने के लिए मिलती है। 27 नक्षत्रों में गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। कर्क राशि यानी हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं, इसमें उच्चस्थ स्थितियों में होते हैं, गुरु की उच्च राशि मानी जाती है और ये मकर राशि में नीचस्थ स्थितियों में होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 की समयावधि में गुरु वक्रगत स्थितियों में रहेंगे, जिसमें 14 सितंबर 2021 को कुंभ राशि से उल्टा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु राहु और धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं, दोनों नक्षत्रों में भ्रमण काल रहने वाला है। कर्क राशि के लिए यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के छठवें और नौवें भाव के स्वामी होकर गुरु राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी गुरु आपके रोग और भाग्य भाव के स्वामी होकर आयु भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में रहेंगे, जिससे अपने आगे और पीछे के भावों का भी फल देते हुए नजर आने वाले हैं, जिससे गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के सप्तम और नवम भाव का भी फल देते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं, तो आपके राशि के छह भावों को ये प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पति के वक्रत्व काल का मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि में 20 जून से 20 जुलाई के समयावधि तक राहु के नक्षत्र सद्विशा में रहेंगे, जिससे आपकी राशि पर विशेष प्रभाव शुभ नहीं देने वाले।
गुरु के प्रभाव से, चूंकि राजसिक के अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में वक्री गुरु कर्क राशि वाले जातकों को चोट चपेट दे सकते हैं, वाहन से दुर्घटना देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता 20 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। जब तक राहु के नक्षत्र में गुरु रहने वाले हैं तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी कर्क वालों को रखना चाहिए। उसके पश्चात कर्क राशि वाले जातकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि राशि के व्यय भाव पर जा रही है, 12th हाउस पर जा रही है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों का जो ध्यान है धार्मिक और मांगलिक क्रियाकलापों में काफी ज्यादा संलग्न रहने वाला है। गुरु के शुभ प्रभाव से कर्क राशि के ऐसे जातक जो विदेश में रहकर या तो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या अपने देश से दूर जाकर विदेश में सेटल्ड हैं, उन जातकों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के सप्तम दृष्टि से धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के परिवार में मान सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में भवन, वाहन और भूमि, इन विषयों की खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। आर्थिक जीवन में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनी हुई रहेगी। एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन होता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि के बहुत सारे ऐसे जातक जो दैनिक रोजगार में व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं और असफलता का सामना आपको पूर्व के समय से ही करना पड़ रहा है, उन जातकों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। बृहस्पति के प्रभाव से आपके परिवार में काफी खुशहाली देखने के लिए मिलने जा रही है। गुरु की नवम दृष्टि राशि के चतुर्थ भाव पर जा रही है, इससे माता और पिता से संबंध आपके काफी बेहतर रहेंगे। यदि माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होती हुई नजर आने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को भौतिक सुख मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति का यह मिला जुला प्रभाव आपके राशि में देखने के लिए मिलने जा रहा है। 20 जुलाई तक आपको शारीरिक रूप से सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति के शुभता को अर्जित करने के लिए रोजाना गाय को हरा चारा खिलाना उत्तम रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। यदि वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हो तो एक चुटकी हल्दी को पानी में डालकर स्नान जरूर करें। गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए, जैसे पीली दाल, पीला फल, पीले कपड़े का, पके हुए केले का जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को दान कर सकते हैं। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन जरूर खिलाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।